अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी क्वीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसम पाउडर, जो कि स्पेशली रसम रेसिपी के लिए यूज़ किया जाता है। घर का बना रसम पाउडर साउथ इंडियन फूड रेसिपीज़ में एक एसेंशियल स्पाइस मिक्स होता है, जो यूजुअली रसम के फ्लेवर को और लाजवाब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रसम पाउडर सदर्न किचन के स्पाइस बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन हीट किया हुआ है, इसमें मैं ड्राई रेड चिलीज़ डालूँगी, खास करके बड़ी वाली। आप कोशिश करें कि बड़ी वाली ही हो, बाकी स्मॉल भी चलेगी। अब उसके बाद मैं थोड़ी सी हींग डालूँगी। मैंने अपनी वीडियोस में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी दी है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने अरहर और चने की दाल दोनों को मिक्स करके डाला है। हमें दोनों ही दाल डालनी है, अरहर दाल को तूर दाल भी बोलते हैं। अब इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि दाल की खुशबू, दाल और हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आने वाली है। रसम जो ये रसम पाउडर जिस रेसिपी में डाला जाता है, जिसका नाम है रसम, रसम हम टोमेटोज़ की भी बनाते हैं और ग्रीन चिलीज़ की भी बनाते हैं, जिसकी आप बनाना चाहें। तो रसम एक साउथ इंडियन सूप है। ट्रेडिशनली इसे टैमरिंड जूस में तैयार किया जाता है, जिसमें टोमेटो, चिली पेपर, पेपर, ज़ीरा और अदर स्पाइसेस डाले जाते हैं। ये विकिपीडिया कहती है, पर मैं बोलती हूँ कि ये एक सूपी स्पाइसी करी है, जो स्टीम राइस के साथ ऊपर से घी डाल के इंडियन स्टाइल में उंगलियों के साथ खाया जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैंने मेरे किचन में पहली बार रसम पाउडर से रेसिपी बनाई थी। मुझे आज भी याद है कि पूरी खुशबू मेरे किचन में थी और घर वाले किचन तक आ गए थे पूछने के लिए, इतना टेस्टी आखिर क्या बना रही हो। मैंने सभी को बताया कि ये रसम है, बहुत ही टेस्टी है। और जब मैंने इस पाउडर का यूज़ किया रसम में, मैंने एक टोमेटो रसम बनाई थी, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब ये देखिए, यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। अभी थोड़ी चीज़ें और रोस्ट करनी है, तो चलिए जब तक उन स्पाइसेस को रोस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन हीट कर लिया है। अब मैं इसमें कोरिएंडर सीड्स डालूँगी, यानी कि धनिया, जो सूखी वाली धनिया होती है, खड़ी धनिया, वो डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी और दोनों को अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ना ही बहुत हाई फ्लेम पर करना है, वरना ये जल जाएगी। इसकी जब तक खुशबू अच्छी आने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो गए हैं। जैसे ये रोस्ट होने लगेंगे मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, पर अभी नहीं, अभी ये रोस्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है, जब आप इसे रसम में डालेंगे तो जो रसम है वो इतनी स्पाइसी, इतनी अच्छी बनती है कि आपका जो खांसी और ज़ुकाम है वो पक्का ठीक होने वाला है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है, ये रोस्ट होने लगा है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है, दोनों को मैंने बोल में रख लिया, दोनों ठंडे हो गए हैं, इसलिए अब मैं दोनों को एक में ही मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसका एक पाउडर बनाएंगे। पाउडर आप चाहें तो सील पर भी बना सकते हैं और चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प भी ले सकते हैं, बट प्लीज़ याद रहे हमें इसे पाउडर ही बनाना है। सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी थी, हल्दी रह गई है, क्योंकि हल्दी हमें भूनना नहीं होता, इसलिए मैं हल्दी लास्ट में डालूँगी। अब इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जब तक आप इस रेसिपी को तैयार कीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी रसम पाउडर से बनी हुई
एक रेसिपी जिसका नाम है टोमेटो रसम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे।